नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया आने की 12th क्लास का होम साइंस गृह विज्ञान का जो है, इस वीडियो में हम लोग 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अगर आप भी जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटे जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके। इसमें जो आप लोग को 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 35 का ही जवाब जो है वो MR शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानो शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये जो है पीयूष है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, तो ये जो है मस्तिष्क है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, दो नंबर क्वेश्चन का। तीन नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है, तो तीन का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे एंड्रोजेंस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, तीन नंबर क्वेश्चन का। चार नंबर क्वेश्चन है, अंडग्रस्थि कहा जाता है, अंडग्रस्थि कहा जाता है, तो वृषण को जो है अंडग्रस्थि कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, चार नंबर क्वेश्चन का। पांच नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। छः नंबर क्वेश्चन है, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो ये जो होती है फाइलेरिया होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, सात नंबर क्वेश्चन है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो ये जो है लोगों को सुविधा प्रदान करना, प्रतिष्ठा स्टेटस प्रदान करना, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। आठ नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है, इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है, तो ये जो है अस्थमा से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, एट नंबर क्वेश्चन का। नौ नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल होता है, तो स्वच्छ जल जो होता है रंगहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी, इसमें से सभी जो है स्वच्छ जल होता है, डी सही है। दस नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो ये जो है वायु प्रदूषण से, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होती है, हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होती है, तो ये जो होती है उपयुक्त दोनों, जल एवं भोजन दोनों से जो है हैजा की बीमारी जो है होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। बारह नंबर क्वेश्चन, कानों के सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है, तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण के कानों के सुनने की शक्ति के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण से जो है कम हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, गोलक्रीम राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है, गोलक्रीम राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है, तो ये जो होता है मिट्टी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है, तेरह नंबर क्वेश्चन का। चौदह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को, मिश्रण भी है, खमीरीकरण भी है, अंकुरीकरण भी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो डी सही है, इनमें से सभी है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं, इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे वसा, इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन का। सोलह नंबर क्वेश्चन, एक मार्ग किन पदार्थों का गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है, एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता को तय करता है, तो ये जो है हो जाएंगे पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, इसका करेक्ट आंसर डी सही, इनमें से सभी। सोलह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी सही है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो क्या विज्ञापन द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, इसका करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी। सत्रह का करेक्ट आंसर डी सही है। अठारह नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था का लक्षण है, गर्भावस्था का लक्षण है, तो अठारह का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है प्रातकाल जी मिचलाना,
बार बार मूत्र का त्याग होना, महावरी का बंद होना, इनमें से सभी से करेक्ट आंसर डी सही, इनमें से सभी जो है गर्भावस्था का लक्षण है। 19 नंबर क्वेश्चन, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है तो क्या होता है, तो 2 से 2.5 kg होता है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के 48 घंटे के अंदर कौन सी टीका लगाया जाता है, तो कौन सी टीका लगाया जाता है, तो ये जो है BCG टीका जो है लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन है, माँ के संतान से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता होंगे कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता कब होती है, महिलाओं की प्रोटीन की अधिक आवश्यकता कब होती है, तो ये कब होती है, गर्भावस्था में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 22 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है, तो इसमें से जो है नींबू पानी पिलाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक साझा नहीं की जाती है, आंतरिक साझा नहीं की जाती है, सार्वजनिक स्तर पर जो है नहीं की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गिरह साझा के मुख्य साधन कौन कौन से है, गिरह साझा के मुख्य साधन कौन कौन से है, तो ये जो है फर्नीचर भी है, पर्दे भी है, सजावट की वस्तुएं भी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है इनमें से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कला के तत्व है, कला के तत्व है, तो कला के तत्व जो है यहाँ पर हो जाएंगे रेखा भी है, आकृति भी है, रंग भी है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौद्रिक आय होती है, इनमें से कौन मौद्रिक आय होती है, तो वेतन भी है, पेंशन भी है, किराया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी जो है मौद्रिक आय होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बचत जरूरी है क्योंकि, बचत जरूरी है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, बचत जरूरी है क्योंकि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आप लोग को, यह संकटकालीन पूंजी है, यह वृद्धावस्था में काम आती है, बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो ये सभी हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन, किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे खुला चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व है, तो क्या है, तो ये जो है वाहिक आकृति है, रंग भी है, कपड़ों की गुणवत्ता भी है, इसका करेक्ट आंसर डी सही, इनमें से उपयुक्त सभी जो है वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है। 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राणिज धाबा है, इसमें से कौन प्राणिज धाबा है, तो ये जो धाबा जो है दूध का दाग है, तो इसका करेक्ट आंसर जो 32 का जो है ये सही है 32 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों का चयन एवं खरीददारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, प्रयोजन पर भी करता है, मूल्य पर भी करता है, ऋतु पर भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे, इन उपयुक्त सभी पर जो ये निर्भर करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, छार के संपर्क में आने से ऊन के तंतु क्या होते हैं, तो ये जो है निखर जाते हैं, तो 34 का करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है, किस प्रकार के वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है, तो ये जो है सूती वस्त्र का जो है सहज होता है रख रखाव से, इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, तो ये जो है कपड़े के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर, धागा से डिजाइन बनाकर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन है, कीड़े से बनने वाला रेशा है, कीड़े से बनने वाला रेशा है, तो कीड़े से बनने वाला रेशा जो है रेशम है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होना चाहिए, निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होना चाहिए, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग को गर्म रंग कहते हैं, किस रंग को गर्म रंग कहते हैं, तो ये जो है लाल रंग को जो है गर्म रंग कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वनस्पति ढाबा नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर जो है किसी किसी बुक में जो है आप लोग मॉडल पेपर में देखिएगा, तो यहाँ पर किसी में रसदार सब्जी दिया गया है और किसी में कॉफ़ी दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को रसदार सब्जी हो जाएंगे, वनस्पति ढाबा जो है रसदार सब्जी है, किसी किसी में जो है आप लोग को कॉफ़ी जो है देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ए पर जो है आप लोग को टिक करना है 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति तंतु है, प्रकृति तंतु है, तो प्रकृति तंतु जो है सूती है, तो इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी सही है। 42वां क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान योगदान नहीं करता है? तो ये जो है आप लोग का कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। यहाँ पर हम लोग जो है होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का जो है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इससे पहले मैं हिस्ट्री एवं जो है साइकोलॉजी एवं जो है यहाँ पर ज्योग्राफी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। सोशियोलॉजी का भी अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से और सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।